स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय। ए लेटर टू गॉड किसके द्वारा लिखा गया है? लेस्ली नॉरिस, कैरोलिन वेल्स, जॉन बेरीमैन, जीएल फ्लुएंट्स। द आंसर इज जीएल फ्लुएंट्स। ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय जीएल फ्लुएंट्स। लेंचो वाज ए लेंचो कौन थे? पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, फार्मर, टीचर। द आंसर इज फार्मर। लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान थे। हु डज लेंचो राइट ए लेटर टू? लेंचो एक पत्र किसे लिखते हैं? हिज वाइफ, पोस्टमास्टर, गॉड, पोस्टमैन। द आंसर इज गॉड। लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो भगवान को एक पत्र लिखते हैं। हाउ मच मनी डज लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड इन द लेटर? लेंचो पत्र में भगवान से कितने पैसे की मांग करते हैं? 20 पैसोज, 50 पैसोज, 100 पैसोज, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज 100 पैसोज। लेंचो पत्र में भगवान से 100 पैसों की मांग करते हैं। नेक्स्ट, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो का किस में पूर्ण विश्वास है? गॉड, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज गॉड। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान में पूर्ण विश्वास है। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ था? इन द मिडल ऑफ द विलेज, गांव के बीच में। इन द सिटी, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द आंसर इज ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लेंचो का घर एक नीची पहाड़ी की चोटी के ऊपर था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द अर्थ नीड? धरती को किस चीज की जरूरत थी? क्रॉप, फार्मर, सीड्स, ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सावर। द आंसर इज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सावर। धरती को मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। व्हेन डिड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल? बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे कब पड़ने लगी? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग डिनर। द आंसर इज ड्यूरिंग डिनर। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग डिनर। बरसात की बड़ी बड़ी बूंदे रात्रि के भोजन के समय पड़ने लगी। नेक्स्ट, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटल वंस आर 5s। हु सेड दीज वर्ड्स? आसमान से पड़ने वाली ये बरसात की बूंदे नहीं है बल्कि ये तो सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10 cent के टुकड़े हैं और छोटी बूंदे 5 cent के टुकड़े हैं। हु सेड दीज वर्ड्स? ये शब्द किसने कहे? पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, लेंचो, लेंचो सन। द आंसर इज लेंचो। ये शब्द लेंचो ने कहे। ये शब्द लेंचो ने उस समय कहे जब बरसात होने लगी और बरसात को देखकर लेंचो खुश हो गए और लेंचो ने कहा कि आसमान से पड़ने वाली ये बूंदे बरसात की बूंदे न होकर आसमान से पड़ने वाले सिक्के हैं। What did fall with rain? बरसात के साथ क्या चीज और पड़ी? मनी, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर। द आंसर इज वेरी लार्ज हेलस्टोन। बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी पड़े। नेक्स्ट, What did these hailstones resemble with? ये बड़े बड़े ओड़े किस से मिलते जुलते थे? न्यू गोल्ड कॉइन्स, न्यू ग्लास कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू कॉपर कॉइन्स। द आंसर इज न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये ओड़े नए चांदी के सिक्के जैसे दिखाई देते थे। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द हेल रेन ऑन द होल वैली? कितने समय तक ओड़े पूरी घाटी पर पड़े? फॉर एन आवर, फॉर टू आवर्स, फॉर थ्री आवर्स, फॉर फोर आवर। द आंसर इज फॉर एन आवर। एक घंटे तक घाटी के ऊपर ओले पड़े। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू लेंचोज कॉर्न? लेंचो की मक्के की फसल को क्या हो गया था? द कॉर्न वॉज स्टोलन। मक्के की फसल चोरी हो गई थी। द कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। मक्का आग में जल गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स। मक्के की फसल ओड़ों की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द कॉर्न वॉज रोटन ड्यू टू फ्लड। मक्के की फसल
बाढ़ के कारण सिड़ गई थी। द आंसर इज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म। मक्के की फसल ओड़ों के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हूम। टीडियों का दल, टीडियों की महामारी शायद इससे ज्यादा छोड़ देती, लेकिन ओड़ों ने तो खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस साल हमारे कोई मक्के की फसल नहीं होगी। ये शब्द किसने और किसको कहे? लेंचो सेड टू हिज वाइफ, लेंचो सेड टू हिज सन, लेंचो सेड टू द विलेजर्स, लेंचो सेड टू द पोस्टमास्टर। द आंसर इज लेंचो सेड टू हिज सन। ये शब्द लेंचो ने अपने लड़कों से कहे। ये शब्द लेंचो ने अपने लड़कों से उस समय कहे जब लेंचो खेत में गया और उसने देखा कि ओड़ों ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। हु इज मेंशनड एन ऑक्स ऑफ ए मैन इन द लेसन। पाठ में एन ऑक्स ऑफ ए मैन किसे कहा गया है? पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, लेंचो, लेंचो सन। द आंसर इज लेंचो। पाठ में एन ऑक्स ऑफ ए मैन लेंचो को कहा गया है। हु रेड द लेटर फर्स्ट, पत्र को सबसे पहले किसने पढ़ा? ए पोस्टमैन, ए पोस्टमास्टर, लेंचोज वाइफ, लेंचोज सन। द आंसर इज ए पोस्टमैन। डाकिए ने सबसे पहले पत्र को पढ़ा। What made Lencho angry? Lencho किस बात से नाराज हो गए? When he found that his corns are completely destroyed, जब उसे पता चला कि उसकी मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। When he found 30 पैसो लेस इन द एनवेलप, जब उसे लिफाफे में तीस पैसे कम मिले। When he did not get money for his crop, जब उसे अपनी फसल के पैसे नहीं मिले। When his sons did not help him in his work, जब उसके लड़कों ने उसके काम में उसकी सहायता नहीं की। The answer is when he found 30 pesos less in the envelope, जब लेंचो को लिफाफे में 30 पैसे कम मिले तो लेंचो नाराज हो गया। Why does the postmaster send money to Lencho? Postmaster ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे? Because it was postmaster's duty, क्योंकि ये postmaster का कर्तव्य था, पोस्टमास्टर की ड्यूटी थी। बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प लेंचो, क्योंकि वह लेंचो की सहायता करना चाहता था। बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू सेक लेंचोज फेथ इन गॉड, क्योंकि पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान से उठ जाए या लेंचो का विश्वास भगवान में कम हो। बिकॉज ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम लेंचोज, क्योंकि पोस्टमास्टर ने लेंचो से पैसे उधार लिए थे। द आंसर इज बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू सेक लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे क्योंकि पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान पर विश्वास कम हो। नेक्स्ट, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो के अनुसार बाकी का पैसा किसने ले लिया था? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, हिज वाइफ, हिज सन्स, द विलेजर्स। द आंसर इज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो मानता था कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके बाकी के पैसे ले लिए हैं। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। क्या लेंचो ने यह जानने का प्रयास किया कि उसको पैसे किसने भेजे हैं? यस नो, द आंसर इज नो। नहीं, लेंचो ने यह जानने का कतई प्रयास नहीं किया कि पैसे किसने भेजे थे। नेक्स्ट, What does Lencho call the post office employees when he gets only 70 pesos? जब लेंचो को केवल 70 पैसे मिलते हैं तो वह पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को क्या कहता है? ए बंच ऑफ गुड पीपल, अच्छे लोगों का झुंड। ए बंच ऑफ सेल्फिश पीपल, स्वार्थी लोगों का झुंड। ए बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का झुंड। ऑल ऑफ द अबव या फिर सभी। द आंसर इज ए बंच ऑफ क्रुक्स। जब लेंचो को 100 पैसोज की बजाय 70 पैसे मिलते हैं तो वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का झुंड कहता है।